हे गाइस, सो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ओडू यूज़ करके कैसे आप कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट एक ई कॉमर्स वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो, लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट और एनी अदर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म वेरी इजीली। सो ओडू से आपको फ्री होस्टिंग, फ्री कस्टम डोमेन, फ्री SSL सर्टिफिकेट ये सब मिलेगा। सो अभी मैं जाता हूँ मेरे स्क्रीन पे एंड वी कैन स्टार्ट दिस ट्यूटोरियल। सो गाइस, सबसे पहले मैं जाऊँगा odoo.com पे एंड देन यहाँ पे सी गाइस, यहाँ पे स्टार्ट नाउ इट्स फ्री लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे अब मुझे ऐप चूज करने को बोल रहा है ये। सो मैं सिलेक्ट करूंगा ई कॉमर्स। गाइज, वेबसाइट नहीं, ई कॉमर्स सिलेक्ट करना है, ध्यान देना इस बात पे। एंड जैसे आप ई कॉमर्स सिलेक्ट करोगे, सी गाइज यहाँ पे लिखा हुआ है फ्री फॉर एवर एंड देन कंटिन्यू। एक ही ऐप सिलेक्ट करना गाइज, क्योंकि एक ऐप ही फ्री होता है। सी गाइज, मैं यहाँ पे प्राइजिंग में आपको दिखा देता हूँ। सी गाइज, वन ऐप फ्री ₹0। ये एक ऐप जो आप सिलेक्ट करोगे, जैसे मैंने ई कॉमर्स सिलेक्ट किया, सो वो हमेशा के लिए आपको फ्री मिल जाएगा। सो जैसे आप ई कॉमर्स सिलेक्ट करोगे, देन फिर आपको यहाँ पे वो कुछ आपके डिटेल्स पूछेगा रजिस्टर करने के लिए। सो मेरा नेम, मेरा ईमेल एड्रेस, देन मैं यहाँ पे मेरा ये वेबसाइट नेम पूछ रहा है, सो मैं इसको लिखता हूँ अभिषेक ई कॉमर्स। सपोज ये मेरी वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट का नेम है। फिर यहाँ पे फोन नंबर एंटर करना है मुझे, देन कंट्री, लैंग्वेज एंड देन स्टार्ट नाउ। फिर आपको ऐसा वेलकम मैसेज आ जाएगा। परफेक्ट। सो अभी ये रजिस्टर तो हो चुका है। सो रजिस्टर आपके डिटेल से तो ये आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अभी ये वेबसाइट के लिए आपको पूछ रहा है कि कैसे टाइप की वेबसाइट बनानी है इन 4 स्टेप्स। सो लेट्स डू इट। एंड यहाँ पे गाइस सिलेक्ट करना है एन ऑनलाइन स्टोर एंड यहाँ पे फिर आई वॉन्ट एन ऑनलाइन स्टोर फॉर माई विच बिजनेस। सो यहाँ पे आप बहुत कुछ सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे अगर मैं स्टोर डालता हूँ सो बेबी स्टोर, आर्चरी स्टोर, बैटरी स्टोर, बहुत बहुत कुछ ऑप्शन है। सो मैं यहाँ मैंशन करूंगा मेन्स क्लोथिंग स्टोर। एंड ऑब्जेक्टिव सी गाइस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे ही गाइस, कुछ ऐसे ऐसा नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस हिसाब से आप यहाँ ऑप्शन सिलेक्ट करोगे ऑटोमेटिकली फिर ओडो आपके लिए उस हिसाब से ई कॉमर्स फंक्शनैलिटीज ऐड कर देगा आपके वेबसाइट पे, इसीलिए ध्यान से सिलेक्ट करना। एंड यहाँ पे सिलेक्ट करना है सेल मोर। सो अभी यहाँ पे मुझे थीम सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है गाइस। आप जो चाहो वो कलर थीम सिलेक्ट कर सकते हो, थीम ऑटोमेटिकली फिर ओडो आपके लिए अप्लाई कर देगा आपकी वेबसाइट पे अच्छे से। एंड इफ नहीं करना है देन लेट इट बी एज इट इज, सिलेक्ट मत करो, ओडो आपके लिए डिसाइड कर देगा। एंड देन यहाँ से लोगो अपलोड करना है। मैंने लोगो तो अभी तक गाइस कुछ सी गाइस यहाँ डिटेक्ट लोगो, सो मैंने लोगो तो अभी तक कोई क्रिएट नहीं किया। सो मैं रैंडमली वीडियो पर्पस के लिए एक रैंडम कोई लोगो ऐड कर दूंगा यहाँ से एंड देन लेट्स गो। एंड सी गाइस, अभी ये वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप एक भी कुछ रॉन्ग सिलेक्ट कर लोगे, सबका फ्री जो है वो हट जाएगा एंड ये एक पेड ट्रायल पे चले जाएगा। सी गाइस, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्री प्लान कॉर्नर में, सी गाइस लेफ्ट बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में फ्री प्लान लिखा हुआ है। सो ध्यान से सिलेक्ट करना। सी गाइस, यहाँ लिखा है पेजेस एंड फीचर्स। सी गाइस, पेजेस का कलर है ब्लू एंड फीचर्स का यहाँ पे थोड़ा ऐसे ब्राउन टाइप कलर है। सो जितने भी यहाँ पे ब्राउन में यहाँ पे ऐसे आइकन्स है ये सब है फीचर्स एंड ये ब्लू में जितने भी ये टॉप पे है ये पेजेस है। ओके, सो सी गाइस, ये शॉप का जो फीचर है यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है क्योंकि हम लोग ने ई कॉमर्स ऐप सिलेक्ट किया था। एंड सी गाइज, एक ही फ्री होता है, मैंने प्राइसिंग आपको दिखाई थी उसमें लिखा था ओनली वन ऐप फ्री। सो एक ही फीचर आपको फ्री रहेगा। सो सी गाइज, अभी यहाँ पे मैं सपोज फॉर एग्जाम्पल लाइव चैट सिलेक्ट करता हूँ। सी गाइज, यहाँ पे फ्री प्लान से हट के अभी लिख के आ गया स्टैंडर्ड प्लान 15 डेज ट्रायल, अभी ये फ्री नहीं है। सो मैं इसको अनचेक कर दूंगा, सी गाइज फ्री प्लान। सो ध्यान से सिलेक्ट करना। मैं तो सजेस्ट करूंगा इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है गाइज में। सो ये फ्री ही रहेगा। आप अगर गलती से भी कोई दूसरा यहाँ पे सिलेक्ट कर ले तो सो फिर ये फ्री आपका फ्री फॉर एवर जो प्लान है वो हट जाएगा। सो मेक श्योर कि आप एक ये शॉप जो सिलेक्टेड है वही रहने दो और यहाँ से कुछ सिलेक्ट मत करना, वरना वो पेड ट्रायल में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका फ्री प्लान हट जाएगा। सो मैंने यहाँ पे सिर्फ शॉप सिलेक्ट किया, बाकी कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया एंड ये अभी फ्री प्लान है फॉर एवर। सो मैं करूंगा बिल्ड माई वेबसाइट। सो अभी आपको यहाँ पे एक थीम सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है ये। आप यहाँ पे इनमें से कोई सिलेक्ट कर सकते हो या फिर व्यू मोर थीम्स भी कर सकते हो, आपको और भी ये थीम्स बता देगा, बहुत सारे थीम्स है। सो मैं ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ, आपको प्रीव्यू भी पूरा दिख जाएगा होवर करने पे उस पर। सो मैं सिलेक्ट करूंगा दिस वन, फर्स्ट वन।
अब ये ऑटोमेटिकली सब आपके लिए रेडी कर देगा। कलर्स, डिजाइन, इमेजेस, हर एक चीज आपके लिए कर देगा। फिर इसके बाद हम लोग ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी में एंटर करेंगे फॉर ई कॉमर्स वेबसाइट क्रिएशन डिटेल्स। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे कलर्स, इमेजेस, बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड ई कॉमर्स फीचर्स सभी ऑटोमेटिकली अभी ये एक्टिवेट कर रहा है आपके वेबसाइट पे। ठीक है, सो अभी ये वेबसाइट पब्लिश हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पे पब्लिश है। सो ये वेबसाइट एंड ये जो थीम हम लोग ने जो भी डिटेल सब फिल किए थे सब, ठीक है, मेरा यहाँ पे लोगो भी है जो मैंने डेमो पर्पज के लिए ऐड किया था, सब ऑटोमेटिकली यहाँ पे अभी एक्टिवेट हो चुका है। एंड सी गाइज, जो मैंने आपको बताया था फ्री होस्टिंग, फ्री कस्टम डोमेन, फ्री SSL सर्टिफिकेट, सो गाइज उन तीनों में से दो काम तो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली हो चुका है। जैसे ही आप रजिस्टर कर लोगे हो जाएगा। नंबर वन होस्टिंग, सी गाइज ये जो मैंने रजिस्टर किया है एंड आप भी ऐसे रजिस्टर करोगे, सो होस्टिंग ऑटोमेटिकली आपका रजिस्टर हो चुका है। सो आपको अलग से कुछ ऐसे करने की जरूरत नहीं है। एंड आपका SSL सर्टिफिकेट भी ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। सी गाइज, मैं आपको एक न्यू टैब में ये वेबसाइट ओपन करके दिखाता हूँ। सी गाइज, यहाँ पे कनेक्शन इज सिक्योर एंड ये एंड मैं एक बार इसको आपको इनकॉग्निटो मोड पे ओपन करता हूँ। सी गाइस, कनेक्शन इज सिक्योर, सो इसका मीनिंग एंड ये होस्ट भी हो रही है वेबसाइट, मतलब होस्टिंग एंड SSL सर्टिफिकेट है वो ऑटोमेटिकली सब हो जाता है बैकएंड में। डोमेन कस्टम डोमेन का वैसा नहीं है, कस्टम डोमेन के लिए आपको रजिस्टर करना पड़ता है। सो वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप कस्टम डोमेन को रजिस्टर कर सकते हो। एंड सी गाइस, कुछ भी अभी नेक्स्ट स्टेप्स पे जाने के पहले ये पेंडिंग वेरिफिकेशन जो यहाँ लिख के आ रहा है, इसको हम लोग पहले ईमेल वेरिफिकेशन है बेसिकली, उसको हम लोग पहले स्टेप को कंप्लीट कर देते हैं। जो ईमेल आप यूज करोगे रजिस्टर करने के लिए वहां पे ही आपको ये आ जाएगा। सी गाइस, ये ओडो का ईमेल एक्टिवेट, सो मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करूंगा एक्टिवेट एंड यहाँ पे फिर ये मुझे पासवर्ड सेट करने बोलेगा। एक्टिवेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, वरना ये आपका डेटा और एल्स आपका ये डेटा ज्यादा देर तक सेव नहीं रहेगा, इसलिए एक्टिवेट कर लोगे देन इट्स डन। स्किप। सी गाइस, हो गया एक्टिवेट, पेंडिंग एक्टिवेशन का जो था वो हो गया। नाउ गो टू अभिषेक ई कॉमर्स। सी गाइस, मैं वहां पे आ गया वापस एंड सी गाइस, अभी तो ये मेरी वेबसाइट ओपन हो चुकी है एंड अभी मुझे फिर से एडिटर पे जाना है। सो यहाँ पे सी गाइस, यहाँ पे मेरे लोगो के टॉप कॉर्नर में एक एरो है छोटा सा, उस पर होवर करना है एंड इस पे क्लिक नहीं करना है गाइस, ये जो पर्पल कलर में है। फिर आप एप्स पे आ जाओगे, आपको ये एडिटर पे क्लिक करना है, फिर आपके आपका एडमिन पैनल ओपन हो जाएगा डैशबोर्ड। सो सी गाइस, अभी यहाँ पे पेंडिंग एक्टिवेशन का जो मैसेज मैसेज था वो जा चुका है। सो नाउ वी कैन प्रोसीड फर्दर। सो सबसे पहले मैं गाइज यहाँ पे स्टार्ट करूंगा विद क्रिएटिंग कैटेगरीज। सो मैं जाऊंगा यहाँ पे ई कॉमर्स के ऑप्शन में एंड देन ई कॉमर्स कैटेगरीज एंड यहाँ पे करेंटली कोई कैटेगरी नहीं है। सो सी गाइज, यहाँ पे ई कॉमर्स कैटेगरीज के लेफ्ट में न्यू लिखा हुआ है, क्लिक ऑन इट एंड अब इसको मैं नेम दूंगा टी शर्ट्स। अब कैटेगरी की अगर चाहो तो इमेज भी यहाँ से ऐड कर सकते हो फॉर कैटेगरीज। सो मैं तो ऐड नहीं कर रहा बट जस्ट टू लेट यू नो कि कैटेगरी के लिए भी इमेज आप ऐड कर सकते हो एंड पेरेंट कैटेगरी भी आप क्रिएट कर सकते हो अगर आपको करनी है तो। सो वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सो जैसे सपोज इतना ही लिखना था, अगर आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है आप डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकते हो। सपोज दिस इज माई डिस्क्रिप्शन फॉर एग्जाम्पल, सो ऐसे आप डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हो एंड कैटेगरी सेव करने के लिए गाइज ये ऑप्शन है, ये अक्रॉस के बाजू में जो छोटा सा ऑप्शन है वो सेव। सो ये कैटेगरी अभी हो गई है सेव। अगर आपको चेक करना है गो टू ई कॉमर्स, ई कॉमर्स कैटेगरी सी गाइज टी शर्ट्स एंड अभी मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज पैरेंट कैटेगरी। अगेन गो टू न्यू, मैं पैरेंट कैटेगरी सिलेक्ट करूंगा टी शर्ट्स एंड यहाँ मैं सपोज ऐड कर सकता हूँ हाफ स्लीव टी शर्ट्स। सो ऐसे आप पैरेंट कैटेगरी क्रिएट कर सकते हो। सो मैं इसको सेव नहीं करूंगा, दैट वॉज जस्ट टू लेट यू नो। मैं दूसरी कैटेगरी ऐड कर दूंगा शर्ट्स एंड वन मोर शूज फॉर एग्जाम्पल।
सो ये मैंने तीन कैटेगरीज क्रिएट कर दी, ई कॉमर्स कैटेगरीज, टी शर्ट, शर्ट्स एंड शूज। सो गाइज अभी कैटेगरीज ऐड करने के बाद मैं बताता हूँ प्रोडक्ट कैसे ऐड करना है। सो विल गो टू ई कॉमर्स एंड देन प्रोडक्ट्स, अगेन यही ऑप्शन पे क्लिक करना है न्यू, एंड यहाँ पे मैं इसको नेम दूंगा कॉटन शर्ट, एंड इसको मैं एक इमेज ऐड कर दूंगा यहां से। दिस वन, एंड यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप इसको गुड्स ही रहने दो। अगर सर्विस टाइप प्रोडक्ट है आपका देन क्लिक ऑन सर्विस, अदरवाइज कीप इट गुड्स। एंड सी गाइस अभी यहाँ पे सेल प्राइस है, कॉस्ट एंड ऑल एंड टैक्स, सो मुझे टैक्स तो अप्लाई नहीं करना है, सो मैं इसको रिमूव कर दूंगा। एंड एक इसकी कॉस्ट मैं रखूंगा 1000 एंड सेल प्राइस 699। सो ऐसे आप कॉस्ट एंड सेल प्राइस ऐड कर सकते हो ऑन योर प्रोडक्ट्स। एंड जैसे ही आप कॉस्ट ऐड कर दोगे और जो भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, अगर आपको टैक्स अप्लाई करना है सो आप टैक्स भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। सो जैसे ही आपका ये डिटेल्स, आप टैक्स एंड कॉस्ट की डिटेल्स ऐड कर दोगे, सो फिर यहाँ से गाइस कैटेगरी सिलेक्ट नहीं करना है इस प्रोडक्ट के लिए, हमें जाना है सेल्स पे, एंड सेल्स में यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करना है। सो मैंने ये एक शर्ट है, सो मैं यहाँ पे शर्ट्स कैटेगरी सिलेक्ट कर लूंगा, एंड देन आई थिंक दिस मच इज इनफ फॉर नाउ। सो एंड अभी यहाँ पे मैं इस प्रोडक्ट को करूंगा सबसे पहले सेव, अगेन सेम ऑप्शन, ये क्रॉस के बाजू में छोटा सा जो ऑप्शन है सेव मैन्युअली। अब मैं जाऊंगा ई कॉमर्स एंड प्रोडक्ट्स। सी गाइस मैं सेव करने के बाद भी यहाँ पे प्रोडक्ट शो नहीं हो रहा है क्योंकि प्रोडक्ट सेव हुआ है बट पब्लिश नहीं हुआ है अभी तक। सो मैं इसको पहले क्रॉस कर दूंगा, एंड देन कॉटन शर्ट, गो टू वेबसाइट, एंड इसको मैं यहाँ पे, सी गाइस अनपब्लिश्ड है, इसको मैं करूंगा पब्लिश। एंड अभी मैं जाऊंगा अगर यहाँ प्रोडक्ट्स में, सी गाइस यहाँ पे अभी प्रोडक्ट शो हो रहा है कॉटन शर्ट। सो गाइस विद दिस हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट ऐड हो चुका है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि वेरिएंट्स कैसे ऐड करने हैं इसमें प्रोडक्ट्स में। सो उसके लिए मैं जाऊंगा कॉन्फ़िगरेशन में एंड देन सेटिंग्स, एंड यहाँ पे मैं सर्च करूंगा वेरिएंट्स। सो इस सेटिंग को चेक कर दो, सिलेक्ट कर दो, दैट्स इट। फिर अभी अगेन एंड मेक श्योर टू सेव एज वेल गाइस, यहाँ पे सेव का ऑप्शन है, परफेक्ट। सो अभी ये वेरिएंट का, अगेन यू कैन कंफर्म इट, सी गाइस अभी ये चेक है। सो प्रोडक्ट वेरिएंट ऑप्शन एनेबल हो चुका है। सो अभी इससे क्या होगा गाइस, आपके प्रोडक्ट के टैब्स और ऐड हो जाएंगे वहां पे, ई कॉमर्स प्रोडक्ट्स। सी गाइस यहाँ पे पहले था जनरल एंड सेल्स, ये दो ही टैब थे, अभी बीच में एक और टैब आ चुका है एट्रीब्यूट्स एंड वेरियंट्स। सो ये तो एक गाइस शर्ट है, सो इसमें मोस्टली दो दो टाइप के वेरियंट आते हैं, साइज एंड कलर्स, राइट। सो मैं सबसे पहले यहाँ पे साइज ऐड कर देता हूँ, साइज, एंड मैं एक और ऐड कर दूंगा कलर लाइक दिस, एंड देन अभी यहां पे हम लोग इसको कॉन्फिगर करेंगे हर एक आइटम को। तो सी गाइस ये साइज एंड कलर ऐड हो गया। अभी मैं इसमें वैल्यूज ऐड करूंगा, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, एंड मैं यहाँ पे कलर भी ऐड करूंगा इसमें, ब्लैक, वाइट, ये दो कलर्स। सो अभी हम लोग हर एक एट्रीब्यूट को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, मतलब उसमें एडिटिंग कर सकते हैं स्टाइलिंग अच्छे से। सो मैं दिखाता हूँ आपको कैसे, जैसे अमेजोन एंड ऑल में होता है, मतलब सपोज फॉर एग्जाम्पल कलर है, सो कलर को आप सिलेक्ट कर सकते हो या फिर उस कलर के इमेज को सिलेक्ट कर सकते हो, सो फिर वो वेरिएंट आ जाता है। सो वो सब कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। सो सबसे पहले विल स्टार्ट विथ साइज, सो मैं साइज पे यहाँ पे क्लिक करूंगा, एंड गाइज अगर इन केस इफ यू वांट कि वेरिएंट्स पे एक्स्ट्रा प्राइस हो, सो आप यहाँ से ऐड भी कर सकते हो। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं इसको जीरो रहने दूँ सब पे, सो हर एक वेरियंट पे सेम प्राइस रहेगा जो मैंने सेट किया था प्रोडक्ट के लिए। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कुछ प्राइस ऐड कर दूँ, सपोज यहाँ पे ये डिफॉल्ट एक्स्ट्रा प्राइस का जो ऑप्शन है, सो इसमें मुझे न्यू प्राइस ऐड नहीं करनी है। सपोज ये स्मॉल वाला जो वेरिएंट है, इसका प्रोडक्ट प्राइस है 699, राइट, लेकिन स्मॉल वेरिएंट को मुझे 799 रखना है। सो मैं यहाँ पे 100 ऐड करूंगा, 799 नहीं करूंगा, सिर्फ 100 ऐड करूंगा। सो वो हो जाएगा 699 प्लस 100, मतलब 799। सो ऐसे आपको एक्स्ट्रा प्राइस ऐड करनी है इफ इन केस अगर आपको वेरिएंट पे एडिशनली वेरिएंट के कुछ एक्स्ट्रा प्राइस चार्जेस रखने, या फिर इफ इन केस अगर आपको वेरिएंट्स पे अलग अलग चार्जेस प्रोडक्ट चार्ज करने हैं तो।
सो मैं सेम हर वेरिएंट पे सेम प्राइस रखूंगा, सो आई विल कीप इट जीरो। एंड अभी गाइज यहाँ पे आपको ऑप्शन है कि ये फिल्टर प्रोडक्ट पेज पे विजिबल करना है या हिडन। सो अगर आपको नहीं शो करना है तो आप हाइड कर सकते हो मेक, बट ये ई कॉमर्स वेबसाइट है सो ऑब्वियसली आप विजिबल ही रखोगे, राइट। एंड देन यहाँ पे इसी गाइज ऑप्शन है एट्रीब्यूट नेम, अगेन आप यहाँ से एडिट कर सकते हो। एंड डिस्प्ले टाइप कि ये दिखेगा कैसे, रेडियो बटन में दिखेगा या फिर चेकबॉक्स में दिखेगा, कैसे दिखना चाहिए वो साइज। सो मैं इसको रेडियो बटन ही रहने दूंगा, मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि वो प्रोडक्ट पेज पे शो कैसे होगा। सो साइज में ज्यादा कुछ है ही नहीं गाइस, सो आई थिंक विद दिस वी आर डन विद साइज कॉन्फिगरेशन। एंड अभी मैं मेन है कलर्स एट्रीब्यूट में, वो मैं आपको दिखाता हूँ उसमें। एंड मेक श्योर टू सेव, अगेन मैं जाऊंगा ई कॉमर्स एट्रीब्यूट्स, एंड यहाँ कुछ कुछ एट्रीब्यूट्स ऑलरेडी क्रिएटेड है, अगर आप चाहो तो डिलीट कर सकते हो इफ यू वॉन्ट टू, सिंपली सिलेक्ट इट एंड यहाँ पे एक्शन में से आप डिलीट कर सकते हो इफ इनकेस आपको कोई एट्रीब्यूट डिलीट करना है तो। सो मैंने साइज ये वाला क्रिएट किया था एंड कलर ये वाला। साइज का तो हो गया, अभी मैं कलर पे सिलेक्ट करूंगा। अभी यहाँ पे हम लोग को बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, अभी यहाँ पे मैं रेडियो बटन नहीं सिलेक्ट करूंगा, मैं सिलेक्ट करूंगा कलर। सो अभी यहाँ पे दो ऑप्शन है गाइज आपके पास, या तो आप कलर के बटन्स ऐड कर सकते हो, सो कलर के अकॉर्डिंग वेरिएंट सिलेक्ट हो जाएगा, या फिर आप इमेज दे सकते हो। सो मैं आपको दिखाता हूँ दोनों, पहले मैं कलर से स्टार्ट करता हूँ। सो ये ब्लैक है सो मैं इसको ब्लैक सिलेक्ट कर दूंगा यहाँ पे। परफेक्ट, सो ये ब्लैक ऐसे सिलेक्ट हो गया एंड देन व्हाइट, परफेक्ट। एंड गाइज आप कुछ भी चेंजेस करते हो यहाँ पे, सो मेक श्योर कि आप यहाँ से सेव करो। एंड अभी मैं जाऊंगा ई कॉमर्स प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट पेज, गो टू वेबसाइट। सी गाइज यहाँ पे ऑप्शन आ गया स्मॉल मीडियम लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज एंड कलर का ऑप्शन आ गया। कलर में ये अभी तक इमेज चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि हम लोग ने इमेज अभी तक सेट ही नहीं किया, सो वो मैं बताऊंगा कैसे करना है। बट कस्टमर को आपके जो वेबसाइट पे आएगा उसको ऐसे एट्रीब्यूट्स वेरिएंट एट्रीब्यूट्स शो होंगे कलर का एंड साइज का। सो आई विल गो बैक ई कॉमर्स प्रोडक्ट्स एट्रीब्यूट्स एंड कलर। सो कलर तो ऐसे दिखेगा लेकिन मुझे कलर शो नहीं करना है गाइस, मुझे इमेज शो करना है। सो मैं यहाँ पे इमेज इंस्टेड ऑफ कलर में इमेज सेलेक्ट करूंगा। एंड मैंने कुछ प्रोडक्ट के इमेजेस ऑलरेडी डाउनलोड करके रखे थे, सो वो वही मैं यूज करूंगा। एंड व्हाइट के लिए मैं सिलेक्ट करूंगा व्हाइट। ठीक है, जैसे आप इमेज सेलेक्ट कर लोगे कलर ऑटोमेटिकली हट जाएगा वहां से एंड देन सेव। सो अगेन मैं जाऊंगा ई कॉमर्स प्रोडक्ट्स गो टू वेबसाइट। सी गाइज अभी यहाँ पे ऐसे शो होगा, अभी भी इमेज चेंज नहीं हुआ क्योंकि हर एक वेरिएंट को हम लोग को इमेजेस ऐड करना है। सो वो मैं नेक्स्ट स्टेप वही है, सो पहले मैं आपको दिखाता हूँ। सी गाइज अभी कलर के बदले वो प्रोडक्ट के कलर शो हो रहे हैं अभी वहां पे। सो ऐसे भी आप कर सकते हो। अभी मैं बता दूं कि कैसे कलर सिलेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिकली वो इमेजेस भी चेंज हो जाएंगे एज पर द वेरियंट। सो अगेन आई विल गो टू ई कॉमर्स प्रोडक्ट सिलेक्ट द प्रोडक्ट। एंड सी गाइज यहाँ पे वेरियंट्स का ऑप्शन है 8 वेरिएंट्स, सो यहाँ पे मैं वेरिएंट्स पे क्लिक करूंगा एंड मैं एक फर्स्ट वेरिएंट ओपन कर लेता हूँ। एंड अभी मैं यहाँ पे हर एक वेरिएंट के लिए इमेजेस असाइन करूंगा। सो फॉर एग्जांपल ये ब्लैक है, साइज स्मॉल ब्लैक, सो ये करेक्ट है। सो मैं जाऊंगा नेक्स्ट एंड ये है व्हाइट वाला, सो मैं ये इमेज यहाँ से डिलीट करके व्हाइट ऐड कर दूंगा। लाइक दिस, अगेन दिस वन इज ब्लैक, ये भी व्हाइट है। दिस वन इज ब्लैक, सिक्स्थ व्हाइट, आप यहां से हर एक टॉगल करके हर एक वेरिएंट एक्सेस कर सकते हो। सीखे यहां लिखा हुआ है साइज एंड कलर बिलो द प्रोडक्ट नेम एंड यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो। अभी ये मैंने हर एक प्रोडक्ट के लिए हर एक प्रोडक्ट के वेरिएंट के लिए इमेजेस असाइन कर दिए। एंड देन अभी मैं जाऊंगा ई कॉमर्स प्रोडक्ट्स
गो टू वेबसाइट। सी गाइस, अभी ये ऐसे ऑटोमेटिकली इमेजेस चेंज होते रहेंगे जिस हिसाब से कस्टमर आपका वेरिएंट सिलेक्ट करेगा। ब्लैक पे ब्लैक आ जाएगा, व्हाइट पे व्हाइट। एंड अभी मैं बता दूं कि कैसे आप मल्टीपल इमेजेस ऐड कर सकते हो। सो गाइज, अभी यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रोडक्ट के इमेजेस, मतलब प्रोडक्ट गैलरी ऐड करने के लिए, अगेन आई विल गो टू ई कॉमर्स प्रोडक्ट, सिलेक्ट द प्रोडक्ट एंड देन यहाँ पे वेरियंट सिलेक्ट करो एंड कोई भी एक फर्स्ट वेरियंट सिलेक्ट कर लो। एंड देन अभी यहाँ पे सी गाइज नीचे स्क्रोल करोगे सो यहाँ पे एड मीडिया है। सो ये ब्लैक टी शर्ट था, सो मैं यहाँ पे अपलोड करूंगा ब्लैक शर्ट के इमेजेस एड। सो ये ब्लैक में ऐड हो गया। अभी व्हाइट में भी मैं सेम करूंगा बट दिस टाइम व्हाइट वाला। एड नेक्स्ट ब्लैक। सो ऐसे ही आपको हर वेरिएंट पे आप इमेजेस ऐड कर सकते हो। उप्स, ये ब्लैक है, मैंने व्हाइट ऐड कर दिया। डिलीट, परफेक्ट, ब्लैक पे ब्लैक। व्हाइट, जैसे ही आप इमेजेस ऐड कर दोगे हर वेरिएंट पे सेव। नाउ लेट्स सी अब ये कैसे शो हो रहा है। गो टू वेबसाइट। सी गाइस, यहाँ पे अभी गैलरी शो हो रही है। इफ मैं सपोज यहाँ पे व्हाइट सिलेक्ट करता हूँ, सो सी गाइस व्हाइट की गैलरी आ गई लाइक दिस। एंड इसको हम लोग और भी एडिटिंग कर सकते हैं, मतलब ये प्रोडक्ट गैलरी के जो इमेजेस है वो नीचे शो करना है या साइड में शो करना है, वो सब भी ऑप्शन है। सो वो हम लोग आगे कवर करेंगे इस वीडियो में। सो गाइज, अभी प्रोडक्ट्स का वेरिएंट्स, कैटेगरीज, प्रोडक्ट्स, ये सब कैसे ऐड करना है एंड ऑल, वो सब देखने के बाद अभी हम लोग थोड़ा शॉप पेज पे जाते हैं। एंड और भी बहुत कुछ है, जैसे प्रोडक्ट पेज का, ये प्रोडक्ट का जो पेज है इसको भी हम एडिटिंग कर सकते हैं अच्छे से। सो वो सब भी ऑब्वियसली मैं कवर करूंगा, पहले लेट्स गो टू द शॉप पेज। एंड सी गाइस, क्योंकि हम लोग ने ई कॉमर्स ऐप सिलेक्ट किया था, सो फिर ओडो ने ऑटोमेटिकली ई कॉमर्स के कुछ बहुत अच्छे फंक्शंस ऐड कर दिए हैं जो कि अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट्स में होते हैं। जैसे यहाँ पे सी गाइस, आपकी वेबसाइट पे जो भी प्रोडक्ट्स के जो फीचर्स होंगे, जैसे साइज, एट्रीब्यूट्स, साइज, कलर्स, जो भी प्रोडक्ट्स के, सो वो डेटा कलेक्ट करेगा एंड ऑटोमेटिकली फिर ऐसे फिल्टर्स, एज अ फिल्टर्स वो कस्टमर्स को प्रोवाइड करेगा। सो सी गाइस, मैंने फिलहाल दो कलर्स के वेरिएंट्स ऐड किए मेरे प्रोडक्ट्स पे, सो यहाँ दो ही शो हो रहा है। सपोज मैं और कुछ प्रोडक्ट्स ऐड करूंगा जिनका वेरिएंट होगा रेड, येलो, ऐसे सब एक्स्ट्रा एडिशनल वेरिएंट्स, एंड साइज भी सपोज हो गए कि स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा, डबल एक्सेल, ये सब साइज या फिर एक्स्ट्रा स्मॉल, सो फिर ओडो ऑटोमेटिकली वो फिल्टर्स को, वो एट्रीब्यूट्स को यहाँ पे शो करेगा, सो दैट ओडो मतलब कस्टमर को बताएगा कि ये सारे एट्रीब्यूट्स के प्रोडक्ट्स है। सो जैसे ही कोई कस्टमर सपोज स्मॉल सिलेक्ट करेगा, सो स्मॉल के एट्रीब्यूट के जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो जाएंगे। सो ऐसे बहुत अच्छे फीचर्स है इसमें एंड प्राइस रेंज भी है। फिलहाल सी गाइस मिनिमम 699 यहाँ शो हो रहा है क्योंकि ये प्रोडक्ट 699 का है। सपोज यहाँ पे मैं 100 कर दूँ, सो 100 से स्टार्ट होगा प्राइस रेंज। सो ये जो डेटा यहाँ डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे साइड बार में, ये आपके प्रोडक्ट से ही पिक करता है ओडो, एंड फिर जो भी कस्टमर सिलेक्ट करेगा उसके अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट शो करता है, फिर डिस्प्ले करेगा कस्टमर्स को। एंड आप जो कैटेगरीज क्रिएट करते हो, जैसे मैंने तीन कैटेगरीज क्रिएट की थी, टी शर्ट, शर्ट, शूज, सो यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो हो जाता है। सपोज मैं कोई शर्ट ऐड कर दूँ, सो एंड मैं शर्ट पे फिर क्लिक करूँ, सो वो शर्ट शो होगा। मैं आपको एक वीडियो पर्पस के लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं जाता हूँ ई कॉमर्स में प्रोडक्ट्स एंड मैं इस प्रोडक्ट को करता हूँ डुप्लीकेट एंड इसको मैं नेम देता हूं मे बी कम्फी टी शर्ट फॉर एग्जाम्पल। इसको मैं यहाँ पे कैटेगरी कर दूंगा टी शर्ट्स। सेव ई कॉमर्स प्रोडक्ट्स। सी गाइस, अभी यहाँ पे
ऐसे टी शर्ट कैटेगरी के जो प्रोडक्ट्स होंगे वो जैसे ही कस्टमर वो टी शर्ट वाले बटन पे क्लिक करेगा ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। सो ऐसे ही आप जो भी प्रोडक्ट ऐड करोगे उसको कैटेगरी असाइन करोगे, सो कैटेगरीज यहाँ ऊपर शो हो जाएगी कस्टमर को। सो कस्टमर इजीली फिर उस कैटेगरीज को यहाँ पे जो भी कैटेगरी के प्रोडक्ट्स चेक करने हैं वो क्लिक कर सकता है, फिर इसको फिल्टर भी कर सकता है। सो सी गाइस, अभी मैं एक और एग्जांपल दिखाता हूँ ये फिल्टर कैसे वर्क करेगा। सो ई कॉमर्स प्रोडक्ट्स, इस प्रोडक्ट को मैं करता हूँ डुप्लीकेट फॉर वीडियो पर्पज। एंड अभी मैं जाऊँगा एट्रीब्यूट एंड वेरियंट्स में, एंड सपोज मैं ये साइज के एट्रीब्यूट में से स्मॉल रिमूव कर देता हूँ इस प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स में से, एंड देन सेव, गो टू वेबसाइट शॉप। सी गाइस, मैं स्मॉल करूंगा, अभी सिर्फ दो प्रोडक्ट आ गए, कॉटन एंड कम्फी। लेकिन ये जो एक और प्रोडक्ट जो मैंने ऐड किया था, मैं अब डुप्लीकेट कर देता हूँ टैब। ये जो कॉपी वाला जो लेटेस्ट प्रोडक्ट मैंने डुप्लीकेट किया था, जो यहाँ से मैंने स्मॉल रिमूव कर दिया। सो इसलिए जैसे ही मैंने स्मॉल किया, सो उसमें इस प्रोडक्ट में स्मॉल वेरिएंट है नहीं, सो वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। सो ऐसे आप इजीली हर एक प्रोडक्ट को कैटेगराइज कर सकते हो। सो जैसे कोई कस्टमर कैटेगरी पर सिलेक्ट करेगा, सो उस कैटेगरी के प्रोडक्ट शो होंगे, फिर उस प्रोडक्ट्स जो डिस्प्ले होंगे कैटेगरी में या फिर ऑल द प्रोडक्ट्स, फिर उसमें फिल्टर्स भी कस्टमर जैसे अप्लाई कर सकते हैं जैसे मैंने अभी आपको जस्ट करके बताया। एंड फिल्टर्स के अकॉर्डिंग कलर, साइज एंड प्राइस रेंज, उसके अकॉर्डिंग फिर प्रोडक्ट्स डिस्प्ले हो जाएंगे फॉर कस्टमर्स। एंड अभी और भी हम लोग थोड़ी एडिटिंग करेंगे, मैं अगेन शॉप पेज पे जाऊंगा फ्रॉम स्टार्ट, एंड देन यहाँ पे अभी पेज की एडिटिंग स्टार्ट करनी है। देन यहाँ पे सीधे ऑप्शन है एडिट, टॉप राइट में एडिट। सो फिर यहाँ पे अभी सब ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे एंड आपको बस सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ऐसे क्लिक कर रहा हूँ इसको, सिंपली मैंने क्लिक किया यहाँ पे एंड फिर ऑटोमेटिकली मुझे सब ऑप्शंस आने लग गए फॉर दिस सिलेक्टेड सेक्शन। सो हम लोग वन बाय वन सब हम लोग जो जो इम्पोर्टेंट है वो चेक करते हैं। सो सी गाइस, यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि क्या सिलेक्टेड है। सी गाइस, यहाँ लिखा है प्रोडक्ट्स पेज, सो प्रोडक्ट का पेज अभी सिलेक्ट हो चुका है। सो सी गाइस, अभी यहाँ ऑप्शन है लेआउट, सो ग्रिड इज द मोस्ट कॉमन। अगर मैं लिस्ट कर दूं सो लिस्ट फॉर्मेट में आ जाएगा, सो मैं इसको ग्रिड ही रहने दूंगा। एंड स्टाइल भी है, एंड द बेस्ट पार्ट इज गाइस, आपको क्लिक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मोस्ट ऑफ द ऑप्शंस में आप जैसे ही होवर करोगे आपको वो प्रीव्यू दे देगा कि कैसे दिखने वाला है। सो मैं इसको कार्ड्स रहने दूंगा, और एल्स डिफॉल्ट इज ऑल्सो लुकिंग गुड। ओके, मैं इसको डिफॉल्ट ही रहने देता हूँ। एंड देन इमेज साइज, अब इमेज साइज भी एडजस्ट कर सकते हो, लैंडस्केप डिफॉल्ट, पोर्ट्रेट वर्टिकल, मैं डिफॉल्ट रहने देता हूँ, और एल्स पोर्ट्रेट भी अच्छा दिख रहा है सो मैं इसको पोर्ट्रेट रख देता हूँ। एंड देन सर्च बार, सी गाइस यहाँ ऊपर आपको सर्च बार दिख रहा है ये बिलो दिस कैटेगरीज, सो ये अगर आप इसको डिजेबल कर दोगे सो सर्च बार हट जाएगा, सो मेक श्योर टू कीप इट एनेबल्ड। एंड अगर आपके प्रोडक्ट के कुछ आप डिस्क्रिप्शन अगर ऐड करोगे वाइल एडिंग द प्रोडक्ट, सो उसको आप ऐसे एनेबल कर सकते हो, सो प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन शो हो जाएंगे। सो मैंने तो कोई डिस्क्रिप्शन ऐड नहीं किया था, सो मैं इसको यहाँ पे अनचेक कर दूंगा। एंड देन कैटेगरीज का ऑप्शन है, सो वो एज इट इज रहने दो। एंड देन एट्रीब्यूट्स, यहाँ पे भी मैं कुछ नहीं करूंगा। एंड सी गाइस, प्राइस फिल्टर, प्रोडक्ट्स टैब फिल्टर, कोलैप्सिबल स्लाइड बार, सो ये सब इसलिए अगर मैं इसको प्राइस फिल्टर को डिजेबल कर दूं, सो यहाँ ये जो प्राइस फिल्टर है, प्राइस रेंज का फिल्टर बिलो साइज एंड कलर, सो ये हट जाएगा। सो अगर आपको प्राइस फिल्टर नहीं शो करना है देन आप इसको डिजेबल कर सकते हो। सो बट मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, जो भी है रहने दो एज इट इज। कस्टमर्स को ज्यादा ऑप्शन मिलते हैं फॉर फिल्टरिंग एंड सो इससे कस्टमर इजिली नैरो डाउन कर सकता है एंड इजिली प्रोडक्ट फाइंड कर सकता है जो कस्टमर को चाहिए। सो इसलिए मैं प्रिफर करूंगा इसको रहने दो ऐसे ही। एंड कोलैप्सिबल कॉन्टेंट, मतलब ये जो कोलैप्स हो रहा है अभी ऐसे, ये जो बंद हो जा रहा है फिर ओपन हो रहा है, दिस इज कॉल्ड कोलैप्सिबल कॉन्टेंट, सो इसको भी एनेबल रहने दो। सो कस्टमर को जो भी फिल्टर यूज करना होगा कस्टमर उसको एक्सपांड करके सिलेक्ट कर सकता है। एंड सी गाइस, यहाँ पे एक डिफॉल्ट सॉर्ट का ऑप्शन है, सो इसका मीनिंग ये है कि ये जो सॉर्ट बाय का जो यहाँ पे दिख रहा है साइड सर्च बार के बाजू में, सो यहाँ पे ऑप्शन तो बहुत होते हैं। सी गाइस, न्यू अराइवल्स, प्राइस, लो टू हाई, हाई टू लो, नेम ए टू जेड, सो ये कस्टमर सिलेक्ट करता है। लेकिन अगर कस्टमर सिलेक्ट नहीं करता है सो बाय डिफॉल्ट वो क्या होना चाहिए वो ऑप्शन पूछ रहा है, बाय डिफॉल्ट सॉर्टिंग का ऑप्शन क्या होना चाहिए। सो अगर मैं न्यूएस्ट अराइवल्स कर दूँ
सो जैसे ही कोई शॉप पेज पे आएगा बाय डिफॉल्ट पहले न्यू अराइवल शो होगा जब तक कस्टमर खुद कुछ चेंज नहीं करता। सो ऐसे आप बाय डिफॉल्ट कुछ अप्लाई कर सकते हो। सो मैं इसको फीचर्ड ही रहने दूंगा यहाँ पे लाइक दिस एंड बटन्स। सी गाइस यहाँ पे डायरेक्ट मुझे बटन अभी फिलहाल कोई शो नहीं हो रहा है। सो मैं इसको सिलेक्ट कर दूंगा। सो जैसे ही कस्टमर इस पे होवर करेगा सी गाइस उसको बाय का बटन शो हो रहा है यहाँ पे बाय बटन, क्योंकि मैंने ये बाय बटन यहाँ से एनेबल कर दिया। एंड आप प्रोडक्ट सिंगल प्रोडक्ट की भी एडिटिंग कर सकते हो। प्रोडक्ट के कॉन्टेंट की बात, प्रोडक्ट की स्टाइलिंग की बात कर रहा हूँ मैं, नॉट कॉन्टेंट। सो सपोज मैं यहाँ पे प्रोडक्ट को सिलेक्ट करूंगा अभी। सी गाइस यहाँ पे ऐसे मैंने प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लिया। एंड फिर जैसे ही मैं प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लूंगा ऐसे क्लिक करके, सो मुझे कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे नीचे प्रोडक्ट। अब मैं किसी भी प्रोडक्ट को रिबन भी दे सकता हूँ, स्पेसिफिक प्रोडक्ट को। सपोज ये प्रोडक्ट सेल पे है, सो मैं इसको क्लिक करूंगा ऐसे ऑन सेल। एंड देन मैं इसको एडिटिंग भी कर सकता हूँ कि इसका क्या कलर होगा। सपोज मुझे यहाँ पे येलो और एल्स ये कलर शो करना है, एंड टेक्स्ट का कलर होगा ब्लैक लाइक दिस। इसकी पोजीशन भी मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, एंड इफ डिलीट करना है देन मैं डिलीट कर सकता हूँ। एंड मैं खुद भी एक रिबन ऐड कर सकता हूँ। सपोज यहाँ पे सपोज मुझे इस प्रोडक्ट पे कुछ खुद से एक रिबन ऐड करनी है, ये प्री मेड जो पहले से क्रिएटेड है वो रिबन मुझे ऐड नहीं करनी है। सो मैं यहाँ प्लस आइकन पे क्लिक करूंगा एंड मैं खुद का एक रिबन क्रिएट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल टेस्ट लाइक दिस। सो ऐसे मैं खुद का रिबन भी कोई क्रिएट कर सकता हूँ। एंड मैं इंडिविजुअल प्रोडक्ट को जो भी प्रोडक्ट पे मुझे चाहिए उसको क्लिक करके अपने अकॉर्डिंग हर एक प्रोडक्ट पे रिबन्स ऐसे ऐड कर सकता हूँ। सबसे पहले मैं ये रिबन डिलीट कर देता हूँ। एंड मेक श्योर गाइज जो भी चेंजेस करते हो यहाँ पे सेव जरूर करना, सेव। एंड गाइज अगर आपको कोई विनिंग प्रोडक्ट है, आपको ऐसे किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे ज्यादा अटेंशन चाहिए आपको कस्टमर्स का, सो आप सिंपली इस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करो एंड देन यहाँ पे साइज में ऐसे ड्रैग करो लाइक दिस। सो सिर्फ वो प्रोडक्ट की साइज थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी लाइक दिस। तो सिर्फ वो प्रोडक्ट पे वो अप्लाई हो गया जो प्रोडक्ट मैंने सिलेक्ट किया, फिर उसका यहाँ से साइज मैंने एडजस्ट कर दिया। सो मैं उसको नॉर्मली रहने दूंगा। दैट वॉज जस्ट टू लेट यू नो कि कैसे आप किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे शॉप पेज पे अटेंशन ग्रैब कर सकते हो। सो गाइज अभी मैं एक इंटरेस्टिंग फीचर बताता हूँ, दैट इज दो इंटरेस्टिंग फीचर इनफैक्ट। एक है विशलिस्ट एंड कंपेयर। सो बहुत सिंपल है, गो टू कॉन्फिगरेशन सेटिंग्स एंड यहाँ पे मैं विश लिस्ट पे चेक कर दूंगा सेव। एंड अभी मैं जाऊंगा ई कॉमर्स वेबसाइट शॉप। सी गाइस अभी मुझे यहाँ पे विश लिस्ट का ऑप्शन भी आ गया। सो इससे फिर अभी कस्टमर अपना कोई भी प्रोडक्ट जो भी उसको विश लिस्ट में ऐड करना है ऐसे सिंपली यहाँ से ऐड कर सकता है, प्रोडक्ट पेज से भी ऐड कर सकता है। आई विल शो यू हाउ। सो ऐसे आप यहाँ पे अभी बाय नाउ का बटन है, कार्ट बटन एंड विश लिस्ट बटन। सो इतना सिंपल था। अभी मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे कस्टमर कंपेयर कर सकता है प्रोडक्ट्स को। अगेन इट्स वेरी सिंपल, कॉन्फिगरेशन सेटिंग्स एंड यहाँ पे कंपेयर सेव। जैसे सेव हो जाएगा ई कॉमर्स प्रोडक्ट्स, गो टू वेबसाइट एंड शॉप। सी गाइस अभी यहाँ पे कंपेयर का ऑप्शन भी आ रहा है कस्टमर को कंपेयर। सो ऐसे कस्टमर को अभी यहाँ से बाय कर सकता है, विशलिस्ट में ऐड कर सकता है, कंपेयर भी कर सकता है प्रोडक्ट्स। सो इतने इजीली जस्ट एक सिलेक्ट करके आप ऐसे एडिशनल फीचर्स ऐड कर सकते हो। सो गाइज अभी मैं आपको बताता हूँ कि एक सिंगल प्रोडक्ट पेज की एडिटिंग कैसे करनी है। सो मैं जाऊंगा ई कॉमर्स प्रोडक्ट, सपोज मैं ये प्रोडक्ट सिलेक्ट करता हूँ एंड देन गो टू वेबसाइट। सो यहाँ पे अभी ये एंड बाय द वे गाइज प्रोडक्ट पेज पे भी ऑटोमेटिकली विशलिस्ट एंड कंपेयर का ऑप्शन आ चुका है। सो यहाँ से प्रोडक्ट पेज से भी कस्टमर विशलिस्ट में या फिर कंपेरिजन में ऐड कर सकता है प्रोडक्ट्स को। सो अभी हम लोग इसकी एडिटिंग करेंगे एंड आई होप यू गाइज रिमेंबर कि कोई भी पेज की एडिटिंग स्टार्ट करनी है देन यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है, जस्ट क्लिक ऑन इट। सो गाइज अभी यहाँ पे आप कोई भी चीज को इजीली क्लिक करके भी एडिटिंग कर सकते हो। सपोज मैं यहाँ पे ऐसे इसको कुछ ऐसे ऐड, सो ऐसे ये यहाँ के या
प्रोडक्ट पेज पे से ही आप यहाँ से एडिटिंग कुछ कर सकते हो, एंड नॉट जस्ट फॉर प्रोडक्ट, कोई भी चीज को। सपोज यहाँ पे ये प्राइस को चेंज करना है, सो मैं प्राइस को भी ऐसे चेंज कर सकता हूँ, एंड जो भी यहाँ सब लिखा हुआ है वो सब भी मैं चेंज कर सकता हूँ यहाँ से। सपोज यहाँ पे 30 डे मनी बैक गारंटी है, सो मैं यहाँ कर दूंगा 100 डे मनी बैक गारंटी। सो ऐसे आप क्लिक करके इजिली एडिटिंग कर स्टार्ट कर सकते हो। और भी यहाँ पे हम लोग कुछ देखते हैं एडिटिंग के लिए। सो गाइस, सबसे पहले मैं यहाँ पे ये सोशल मीडिया आइकन्स का थोड़ा सा एडिटिंग करता हूँ। सो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूंगा एंड देन स्क्रॉल डाउन, एंड सपोज मुझे ये नहीं चाहिए, सो मैं इसको, ये मेल वाला जो है उसको मैं क्लिक करूंगा, एंड यहाँ पे नीचे डिलीट, एंड पिंटरेस्ट भी मुझे नहीं चाहिए, देन डिलीट, एंड लिंक्डइन भी नहीं चाहिए मुझे, एंड फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप। सो यहाँ एक्स के बदले में यहाँ पे आइकन डालूंगा इंस्टाग्राम का, लाइक दिस। एंड हर एक आइकन को आप एडिटिंग भी कर सकते हो। सपोज मैं व्हाट्सएप आइकन सिलेक्ट करता हूँ, एंड इसका कलर्स चेंज कर सकता हूँ मैं, बैकग्राउंड कलर एंड आइकन कलर, एंड इसकी साइज ऐसे एडजस्ट कर सकते हो आप, अलाइनमेंट, स्टाइल, स्टाइलिंग भी कर सकते हो। मुझे इसको कलर देना होगा सो दैट आप इजीली देख सकते हो। फिर मैं इसको ब्लैक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, एंड व्हाट्सएप कलर ग्रीन फॉर एग्जाम्पल, एंड सी गाइस आप ऐसे इसको स्टाइलिंग दे सकते हो, लाइक दिस, सर्कल और एल्स नॉर्मल, एंड एनिमेशन इफेक्ट्स भी दे सकते हो आप। ऑन स्क्रोल मतलब जब भी यूजर नीचे स्क्रोल करेगा सो वो दिखेगा, या फिर नॉर्मल फेड इन इफेक्ट आप दे सकते हो, लाइक दिस। सो ऐसे आप एनिमेशन इफेक्ट्स भी दे सकते हो। एंड ये गाइस जो शेयर आइकन से ही ऑटोमेटिकली वर्क करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको फेसबुक पे क्लिक करता हूँ, सो ऑटोमेटिकली फेसबुक पे ही रिडायरेक्ट हो जाता है, एंड सिमिलरली फॉर पिंटरेस्ट जो भी है ऑटोमेटिकली, अगर मैं लिंक्डइन सेलेक्ट करूँ ऑटोमेटिकली लिंक्डइन पे ये लेके जाएगा मुझे। सो ऑटोमेटिकली यूजर को ये शेयर का ऑप्शन देगा हर हर एक अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे जो भी आप ऐड करोगे। एंड सी गाइस ये जो यहाँ पे साइड में जो थंबनेल्स है, ये जो प्रोडक्ट के प्रोडक्ट गैलरी है, इसको अगर मुझे सपोज यहाँ पे बॉटम में लाना है, सो मैं थंबनेल्स को ऐसे एरो कर दूंगा डाउन। ठीक है, अभी इमेजेस सब नीचे है, इफ मैं इसको करूं लेफ्ट साइड में, सो ये ऐसे साइड में आ गए सारे इमेजेस। सो ऐसे आपके पास ये भी ऑप्शन है, एंड लेट्स सी व्हाट आर द थिंग्स वी हैव। एंड सी ये स्पेसिफिकेशन है, इसको अगर मैं चाहूँ सो ऐसे इन अकॉर्डिंग कर सकता हूँ सिलेक्ट, सो ये एक ही कॉलम में सब नीचे आ जाएगा यहाँ पे, लाइक दिस। सी गाइस सब एक ही कॉलम में नीचे, यहाँ पे प्राइस, वेरिएंट्स, कंपेयर, विशलिस्ट एंड नीचे स्पेसिफिकेशन। सो ऐसे एक ही कॉलम में सब नीचे आ जाएगा, एंड ऐसे आप ये प्रोडक्ट गैलरी ऐसे शो होगी, एंड मेक श्योर टू सेव। सो फार गाइस प्रोडक्ट पेज ऐसे शो हो रहा है, एंड अगेन मैं एक और इंटरेस्टिंग ऑप्शन दिखाता हूँ गाइस आपको। सी गाइस आप यहाँ पे और कॉन्टेंट ऐड कर सकते हो। सो मैं यहाँ पे ये ब्लॉक्स वाले सेक्शन में जाके आपको कुछ भी कंटेंट ऐड करना है, फॉर्म्स, प्रोडक्ट्स, सोशल मीडिया अकाउंट इंटीग्रेट करना है, इमेजेस, कॉलम, कंटेंट एंड वीडियो, बटन, सेपरेटर, उसी का जितना भी आप यहाँ देख रहे हो ये सब आप ऐड कर सकते हो। मैप, ऐड टू कार्ट बटन, प्रोग्रेस बार, सर्च, फेसबुक, बहुत सारे जितने भी ऑप्शन है ये सब आप ऐड कर सकते हो। सो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स ऐड करता हूँ, एंड प्रोडक्ट का यहाँ पे एक ये टेम्पलेट है, मैं इसको क्लिक करूंगा लाइक दिस, एंड मैं यहाँ पे इसको लिखूंगा रिसेंटली व्यूड प्रोडक्ट्स। यू व्यूड दिस प्रोडक्ट्स रिसेंटली, सपोज ऐसे मैं कुछ ऐड करता हूँ, एंड अभी मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूंगा इस सेक्शन को, एंड मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा, एंड अगेन अभी सी गाइस यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शंस है, फिल्टर्स कि मुझे न्यू प्रोडक्ट शो करने हैं या फिर रिसेंटली व्यूड प्रोडक्ट्स, ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स, बहुत सारे सी गाइस फिल्टर्स है। सो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, रिसेंटली व्यूड करूंगा,
सो कस्टमर जो भी रिसेंट जो वो प्रोडक्ट आपकी वेबसाइट ई कॉमर्स वेबसाइट पे आके जो भी वो उसने प्रोडक्ट्स रिसेंटली ऐसे ब्राउज किए होंगे और फिर एक प्रोडक्ट कोई सिलेक्ट कर लेगा जब कस्टमर, सो वो प्रोडक्ट पेज पे उसको ऑटोमेटिकली उसने जो भी रिसेंटली व्यूड प्रोडक्ट्स उसके होंगे वो ऑटोमेटिकली हर एक कस्टमर को शो हो जाएंगे जैसे आप यहाँ पे फिल्टर में रिसेंटली व्यूड सिलेक्ट करोगे। अगर आप रिसेंटली सोल्ड करोगे सो रिसेंटली जो सोल्ड प्रोडक्ट्स होंगे आपके वो शो हो जाएंगे हर एक कस्टमर को ऑटोमेटिकली। सो मैं रिसेंटली व्यूड रहने दूंगा। एंड अगर आप चाहो तो आप कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हो। सपोज मैं टी शर्ट अगर सिलेक्ट करूंगा सो टी शर्ट कैटेगरी के उसके रिसेंटली व्यूड प्रोडक्ट जो होंगे कस्टमर के वो शो हो जाएंगे। सो ऐसे आपके पास ये भी ऑप्शंस है। एंड आप यहाँ पे टेम्पलेट भी सिलेक्ट कर सकते हो कि कैसे आपको शो करना है। बहुत सारे टेम्पलेट्स है, सपोज मैं ये सिलेक्ट करता हूँ तो ऐसे शो हो जाएगा। सो ऐसे आप टेम्पलेट्स भी सिलेक्ट कर सकते हो एंड बैकग्राउंड भी आप चेंज कर सकते हो, लाइक कलर दे सकते हो या फिर इमेज और एल्स वीडियो शेप, आप ऐसे वेरियस बैकग्राउंड भी ऐड कर सकते हो सेक्शंस के लिए। सो गाइस इसमें और भी बहुत कुछ अभी कवर करना बाकी है जो मैं इस वीडियो में कवर करूंगा, लाइक एजेक्स कार्ट वो क्या होता है वो भी मैं समझाऊंगा, साइन इन कस्टमर साइन इन लॉग इन कस्टमर डिटेल्स वो सब भी मैं बताऊंगा कितना ईजी है। एंड सो एज ऑफ नाउ मैं पहले आपको डिस्काउंट का दिखाता हूँ। सो मेक श्योर टू सेव एंड कॉन्फिगरेशन सेटिंग्स एंड जस्ट सिलेक्ट दिस एंड सेव। जैसे ही आप इसको सेव करोगे गो टू ई कॉमर्स एंड ठीक है जो भी आप यहाँ से ऐड करते जाते हो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ई कॉमर्स ऑप्शन में वैसे वो सब चीजें इंक्रीज होते जाती है ऑप्शन। सो मैंने अभी यहाँ डिस्काउंट ऐड किया सो ये दो ऑप्शन ऐड हो गए। सो मैं जाऊंगा डिस्काउंट एंड लॉयल्टी एंड मैं करूंगा प्रोमो कोड। यहाँ पे सीखे जितने सारे ऑप्शंस है आप कोई भी टाइप के लॉयल्टी एंड डिस्काउंट कैंपेन रन कर सकते हो। जैसे यहाँ है बाय एक्स गेट वाई, मतलब आप अगर आपको ऐसा कुछ रन करना है बाय टू प्रोडक्ट्स एंड गेट अ थर्ड वन फ्री, सो उसके लिए ये है। अगर आपको ऐसा चाहिए कि नेक्स्ट ऑर्डर के लिए कूपन कोड आपको प्रोवाइड करना है कस्टमर्स को एक परचेस करने के बाद फिर नेक्स्ट ऑर्डर के लिए, सो ये वाला ऑप्शन है उसके लिए। सो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस है। सो मैं प्रोमो कोड का ऑप्शन यूज कर रहा हूँ जो सिंपल है, कोड यूज करके वो डिस्काउंट अप्लाई हो जाता है। तो सी गाइस अभी यहाँ पे करेंसी है एंड डिस्काउंट कोड क्या आपको रखना है, सो मैं इसको यहाँ पे मेंशन कर दूंगा test10 एंड देन सेव। एंड अभी यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा एंड लिमिट अगर आपको यूसेज स्टार्ट डेट एंड डेट करना है सो आप ये ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। सो डिस्काउंट कोड कब से कब तक ये चालू होगा, सो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ सिलेक्ट करूंगा 14th और एल्स 12th और एंड डेट 27th। सो 12th नवंबर से लेके अभी तो 12th नवंबर क्रॉस हो चुका है बट जस्ट टू लेट यू नो मतलब 12th नवंबर से 27th नवंबर तक ये वर्क करेगा डिस्काउंट कोड। एंड लिमिट यूसेज भी कर सकता हूँ मैं कितने बार ये यूज हो सकता है, सो मैं इसको ऐसे चाहूँ तो कर सकता हूँ। एंड देन यहाँ पे ये ऑप्शन इंपॉर्टेंट है अप्लाई टू, मैं क्लिक करूंगा एंड अगर आपको ये कोड किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के लिए अप्लाई करना है सो आप यहाँ यहाँ पे वो प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हो ये ऑप्शन सिलेक्ट करके स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स। अगर आपको ऑर्डर के ऊपर 10% डिस्काउंट देना है देन सिलेक्ट ऑर्डर एंड देन सेव एंड देन अगेन सेव। सो इसका मतलब ये जो 10 test 10 कूपन कोड है ये वर्क करेगा कस्टमर जो भी ऑर्डर प्लेस करेगा उसके 10% डिस्काउंट के लिए। सो सी गाइस अभी मैं यहाँ जाऊंगा ई कॉमर्स, सो अभी मैं जाऊंगा साइट एंड होम पेज शॉप प्रोडक्ट। सी गाइस ये यहाँ पे जो आपको यहाँ पे शो हुआ होम पेज शॉप एंड सी गाइस ये जो यहाँ पे शो हो रहा है गिफ्ट कार्ड अनपब्लिश्ड इसको आप इग्नोर कर सकते हो, ये आपके वेबसाइट में एक्चुअली शो नहीं होने वाला। मैं इसको वेबसाइट ओपन करता हूँ मेरी शॉप, ओके मैं साइंड इन हूँ इसलिए अभी भी ये शो हो रहा है, मैं इसको इनकॉग्निटो मोड में ओपन करता हूँ। सी गाइस अभी कुछ शो नहीं होगा, सो वो आपको वो बता रहे कि आप ऐसे गिफ्ट कार्ड भी ऐड कर सकते हो ऑल ऑफ दैट स्टफ बट रियल में कस्टमर को कुछ शो नहीं होने वाला। एंड अब मैं यहाँ पे ये प्रोडक्ट सिलेक्ट करता हूँ एंड ऐड टू कार्ट व्यू कार्ट। सी गाइस यहाँ पे मैं test10 अप्लाई कर दूंगा। सी गाइस कोड सक्सेसफुली अप्लाई हो गया। सो ऐसे आप कूपन
कोड, डिस्काउंट कोड्स क्रिएट कर सकते हो। एंड अभी मैं आपको कुछ और एडिशनल इंटरेस्टिंग सेटिंग्स बताता हूँ। सो ये पेमेंट्स भी मैं कवर करूँगा। सी गाइस, यहाँ पे चेकआउट प्रोसेस। सो यहाँ पे आपको, अगर आपको सपोज ये ऐड टू कार्ड, सो ऐड टू कार्ड का मीनिंग क्या है गाइस, यहाँ पे तीन ऑप्शन है। स्टे ऑन प्रोडक्ट पेज, मतलब अगर मैं इसको ऐसे रहने दूँ, एंड मैं, लेट मी गो टू, मैं आपको प्रैक्टिकली हर एक चीज करके भी बताऊंगा। सपोज मैं ये यहाँ पे इसको ऐड टू कार्ट कर देता हूँ लाइक दिस। सो सी गाइस, यहाँ पे क्या है, स्टे ऑन प्रोडक्ट पेज। सो जैसे मैंने ऐड टू कार्ट किया, स्टिल मैं इसी इसी स्टे ऑन प्रोडक्ट पेज। सो मैं यहाँ पे सपोज ये प्रोडक्ट पेज पे जाता हूँ ऐड टू कार्ट। सी गाइस, मैं स्टिल प्रोडक्ट पेज पे ही हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैंने ये सिलेक्ट किया स्टे ऑन प्रोडक्ट पेज। अगर मैं गो टू कार्ट करूँ एंड मैं इसको कर दूँ सेव, एंड मैं इसको अभी एड रिफ्रेश करके फिर से ऐड टू कार्ट करता हूँ, सो ये मुझे कार्ट में लेके जाएगा डायरेक्टली। सो आई वुड प्रीफर स्टे ऑन प्रोडक्ट पेज इज गुड ऑप्शन, एंड लेट यूजर डिसाइड। अगर आप सिलेक्ट करोगे सो कस्टमर को वो ऑप्शन देगा कि आपको प्रोडक्ट पेज पे रहना है या डायरेक्ट कार्ट पे जाना है। एंड नेक्स्ट है साइन इन, साइन अप एट चेकआउट। सो अगर आपको ऑप्शनल रखना है, मतलब कस्टमर जब ऑर्डर प्लेस करेगा सो उसको साइन इन करना मैंडेटरी है या नहीं, ऑप्शनल है सो ऑप्शनल। अगर आप डिजेबल करोगे सो कस्टमर फिर इजीली फिर विदाउट अकाउंट के भी ऑर्डर प्लेस कर सकता है। अगर मैंडेटरी करना है, सपोज मैं इसको मैंडेटरी करूँ, एंड मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं इसको सेव करता हूँ, एंड अभी मैं एक बार फिर से तो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ कि अब मैं ऑर्डर प्लेस नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको मैंने मैंडेटरी कर दिया है। शॉप प्रोसीड टू चेकआउट। सी गाइस, अब मुझे ये साइन इन का ऑप्शन दे रहा है ऑटोमेटिकली। ये पहले मुझे बोल रहा है साइन इन करने, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको मैंडेटरी किया। इफ मैं इसको ऑप्शनल करूँ सो मुझे चेकआउट का ऑप्शन आ जाएगा। रिफ्रेश, सी गाइस चेकआउट। लेट्स सी व्हाट आर द ऑप्शंस आर देयर। सो यहाँ पे सी गाइस, नीचे है शॉप प्रोडक्ट्स। अगर आपको टैक्स इंक्लूड करना है देन टैक्स एक्सक्लूडेड एंड इंक्लूडेड। सो अगर आपको जो भी प्राइस शो करना है वो टैक्स के बिना शो करना है, अगर आप टैक्स चार्ज करते हो तो फिर आप इसको ये सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको प्रोडक्ट्स के प्राइस टैक्स के साथ शो करने हैं पहले ही, तो आप ये ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, टैक्स इंक्लूडेड। एंड देन इनवॉइस ये ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा जो भी ऑर्डर होगा उसका। सो या दैट्स प्रीटी मच द इंपॉर्टेंट सेटिंग्स एंड सेव। एंड गाइज, अभी मैं कुछ हम लोग एडिटिंग करेंगे। गो टू साइट, होम पेज, मैं हेडर के इंटरेस्टिंग ऑप्शंस बताता हूँ आपको। गो टू एडिट एंड आपको सिंपली हेडर पे क्लिक करना है, एंड हेडर सिलेक्ट हो जाएगा। एंड यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस है, सी गाइज स्क्रोलिंग के भी ऑप्शंस है, एंड आपको प्रीव्यू दे देगा ये कि स्टैंडर्ड स्क्रोलिंग में कैसे होगा, स्क्रोल ऑप्शन में कैसे होगा। फिक्स्ड करोगे सो वो फिक्स्ड ही रहेगा, एंड डिसअपीयर करोगे, एंड मेरा पर्सनली फेवरेट है डिजअपियर वाला, सो मैं डिजअपियर सिलेक्ट करूंगा। सो इससे जैसे मैं स्क्रॉल करूंगा हेडर डिजअपियर हो जाएगा, एंड मैं ऊपर स्क्रॉल करूंगा सो वापस हेडर विजिबल हो जाएगा। सो ऐसे आप सिलेक्ट कर सकते हो स्टाइल, बैकग्राउंड कलर भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो हेडर का, एंड हेडर पोजिशन, एंड आप इसमें और क्या शो करना चाहते हो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। सो सपोज मैं यहाँ पे ये अभी सिलेक्टेड है, मतलब मेरा अकाउंट, अगर मैं इसको यहाँ पे इसको ऐसे क्लिक करूँ एंड मैं इसको फिर कर दूंगा सेव, सो ये अभी भी स्टिल शो हो रहा है क्योंकि मैं यहाँ पे साइंड इन हूँ। बट मैं अगर मैं इसको इनकॉग्निटो टैब में ओपन करता हूँ, सो सी गाइस वो हेडर में से वो मेरा अकाउंट का ऑप्शन चला गया। एंड इफ मैं इसको एनेबल करूँ सो वहां पे वो ऑप्शन देगा। सेव, रिफ्रेश। सी गाइस, यहाँ पे अभी साइन इन का ऑप्शन आ गया क्योंकि मैं साइंड इन नहीं हूँ, ये इनकॉग्निटो मोड है। सो ऐसे साइन इन का ऑप्शन आप इजीली एनेबल कर सकते हो आपके वेबसाइट पे। एंड ऐसे आप बहुत सारे ऑप्शन है, आप कार्ट भी ऐड कर सकते हो, यहाँ पे कार्ट ऑलरेडी एडेड है। विशलिस्ट का ऑप्शन भी आप ऐसे ऐड कर सकते हो।
तो कस्टमर को यहाँ पे विश लिस्ट भी उसकी शो हो जाएगी ऊपर नेविगेशन बार में ही। सो दैट्स प्रेटी मच द ऑप्शन। एंड आपको हेडर का टेम्पलेट कैसे रखना है वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। सपोज मुझे ये टेम्पलेट चाहिए, तो एलिमेंट्स ऑटोमेटिकली अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएंगे एंड बहुत अच्छे से एडजस्ट हो गए। सी गाइस, माय कार्ट विशलिस्ट, मेरा अकाउंट, नेविगेशन, सर्च बार एंड कॉन्टैक्ट बटन। सो ऐसे आप जो चाहो वो सिलेक्ट कर सकते हो एंड मेक श्योर टू सेव अगेन। एंड किसी बटन को अगर आपको किसी से लिंक करना है सो यहाँ पे सिंपली ऐसे बटन पे क्लिक करो। एंड किसी भी बटन को अगर आपको किसी भी बटन को या एलिमेंट को एडिटिंग करनी है सो जैसे मैं सेक्शंस को सिलेक्ट करके एडिटिंग करता हूँ वैसे ही, सपोज ये बटन पे क्लिक करना है सिलेक्ट एडिटिंग करने में, बटन पे क्लिक करूंगा एंड मैं सिर्फ कॉन्टैक्ट ऐसे रखूंगा एंड यहाँ पे एडिट लिंक में जाके मैं इसकी लिंक भी यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। सो जो भी एलिमेंट की एडिटिंग करनी है सिंपली इसको सिलेक्ट करो एंड उसके ऑप्शन आ जाएंगे। एंड ये जो माई अकाउंट है ये भी बहुत अच्छे से डिजाइंड है। ले मैं इसको पहले क्लोज करता हूँ अभी, माई अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली सब है इसमें कि मेरे इन्वॉइसेस, मेरे ऑर्डर्स एंड मेरे इन्फॉर्मेशन अगर मुझे एडिट करनी है तो मैं यहाँ से मेरी इन्फॉर्मेशन एडिट कर सकता हूँ। सो ऑलरेडी सब इसमें क्रिएटेड है एंड मैं अभी आपको बता दूँ कि कैसे आप इसमें इसका मेन्यू एडिट कर सकते हो। सो आई विल गो टू एडिट, नो सॉरी नॉट एडिट, क्लोज। मैं जाऊंगा साइट में एंड मेन्यू एडिटर। अब मैं मेरे अकॉर्डिंग इसमें जैसे चाहो, सपोज मुझे कॉन्टैक्ट सबसे पहले रखना है सो मैं यहाँ पे ऐसे सिंपली इसको ड्रैग कर दूंगा एंड सेव। सो कॉन्टैक्ट पहले आ गया एंड अगेन मैं जाता हूँ मेन्यू एडिटर में एंड ऐड मेन्यू आइटम। अगर मुझे यहाँ पे कुछ सपोज ऐड करना है ब्लॉग्स मे बी फॉर एग्जाम्पल, एंड मुझे, मैं nike.com एग्जाम्पल के लिए ले लेता हूँ URL, सेव। ठीक है, जब यहाँ पे ब्लॉक का ऑप्शन भी है तो ऐसे आप मेन्यू का नेविगेशन एडिट कर सकते हो एंड जैसे चाहो वैसे उसको ड्रैग कर सकते हो। एंड अगर आप इसमें ड्रॉप डाउन भी क्रिएट कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं एक और ऐड करता हूँ आइटम, एंड वन मोर बेस्ट शर्ट्स। अब मैं इसको, अगर मुझे ड्रॉप डाउन में क्रिएट करना है सो मैं इसको यहां पे ऐसे सिंपली इसको राइट की तरफ ड्रैग कर दूंगा। लाइक दिस एंड सेव। सो अभी ये ड्रॉप डाउन में आ गया। सी गाइस, शॉप, बेस्ट शर्ट, बेस्ट शूज, एंड मैं उस बेस्ट शर्ट एंड बेस्ट शूज के पेजेस को, ऑप्शन को मैं बेस्ट शूज के कैटेगरी का पेज या शर्ट्स के कैटेगरी पे के पेज से लिंक कर सकता हूँ। सो दैट जैसे कोई बेस्ट शर्ट्स में जाएगा सो शर्ट्स की कैटेगरी के पेज में आ जाएगा। सो ऐसे आप इजिली मेन्यू को एडिट कर सकते हो एंड लिंक कर सकते हो नेविगेशन के मेन्यू आइटम्स को। एंड सी गाइस, जो प्रोडक्ट्स पेज पे मैंने ये रिसेंटली व्यूड का ऐसे प्रोडक्ट का जो सेक्शन ऐड किया था, सो ऐसे आप और भी बहुत कुछ चीजें ऐड कर सकते हो। आई विल गो टू एडिटर एंड देन यहाँ पे एडिट के बाजू में सी गाइस न्यू लिखा हुआ है, आई विल क्लिक ऑन न्यू। सो यहाँ से आप बहुत कुछ न्यू ऐड कर सकते हो, पेज, प्रोडक्ट, ब्लॉग पोस्ट। सपोज मैं पेज सिलेक्ट करता हूँ सो एंड द बेस्ट पार्ट इज आपके पास हर एक के लिए टेम्पलेट्स भी है। अगर आप चाहो सो ब्लैंक से भी कर सकते हो, ब्लैंक सिलेक्ट करके, बट टेम्पलेट भी है हर एक चीज के लिए, लैंडिंग पेज एंड ये सब फ्री है गाइस, कोई भी आप सिलेक्ट कर लो। लैंडिंग पेजेस है, गैलरी, सर्विसेस, सर्विसेस का पेज है, प्राइजिंग प्लान्स। ठीक है, जैसे प्राइजिंग प्लान्स का पेजेस भी है, इन डिटेल अच्छे से डिजाइंड है एंड कस्टम, बेसिक, ब्लैंक, जो आप चाहो सिलेक्ट कर सकते हो एंड पेज फिर उसको ऐड कर सकते हो एंड फिर उसको नेविगेशन में फिर लिंक कर सकते हो जैसे मैंने बताया था। प्रोडक्ट ऐड करना है सो आप यहाँ से भी डायरेक्टली प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो, ब्लॉग पोस्ट भी आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। एंड सिर्फ इतना ही नहीं गाइस, सपोज मैं एडिट क्लिक करता हूँ सो जैसे मैंने ये प्रोडक्ट का ये जो ब्लॉक ऐड किया था रिसेंटली व्यूड प्रोडक्ट्स का, सो ऐसे ब्लॉक्स में जाके आप देखोगे बहुत सारे और भी अलग अलग ब्लॉक्स है, कॉन्टैक्ट फॉर्म, कॉन्टैक्ट
कंटेंट, पीपल मतलब पीपल्स के फोटोज एंड इंफॉर्मेशन, सोशल मीडिया आइकन, रेटिंग एंड सोशल मीडिया आइकन्स, चार्ट, प्रोग्रेस बार, फॉर्म्स, फॉर्म्स भी आप ऐड कर सकते हो गाइस। सपोज मैं यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ पे एक फॉर्म ऐड कर देता हूँ लाइक दिस। सी गाइस, यहाँ पे एक फॉर्म ऐड आ गया, फॉर्म हो गया। एंड मुझे फॉर्म के ऊपर चाहिए एक हेडिंग। वेयर इज हेडिंग? टेक्स्ट। तो मैं इसको यहां पे ऐसे ड्रैग कर दूंगा एंड मैं ये वाला सिलेक्ट कर लूंगा, फर्स्ट वाला। सो ऐसे यहां पे ये आ गया सेक्शन टेक्स्ट का ब्लॉक। एंड फिर मैं इसको जैसे चाहिए वैसे एडिटिंग कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एंड मैं यहां से इसकी साइज इंक्रीज कर दूंगा लाइक दिस। बोल्ड भी आप इसको कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो, एंड यहाँ पे फॉन्ट टाइप्स भी है बहुत सारे। एंड और भी बहुत सारे टेक्स्टिंग के ऑप्शंस है, बुलेट पॉइंट्स, नंबर्ड लिस्ट, एंड कलर भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो टेक्स्ट का। सो ऐसे टेक्स्ट के भी एडिटिंग ऑप्शंस है एंड सिमिलरली बहुत सारे ऑप्शन है गाइस। यहाँ पे बटन का ऑप्शन भी है। मैं सेक्शन सिलेक्ट कर लूंगा, ब्लॉक एंड बटन। मैं यहाँ पे इसको ड्रैग कर दूंगा इस बटन को लाइक दिस। इसको मैं कर दूंगा बटन को व्हाइट कलर। सो ऑब्वियसली ऐसे कोई ऐड नहीं करता कंटेंट बीच में ही, बट प्रोडक्ट्स पेज पे, बट जस्ट टू लेट यू नो, दिस वाज जस्ट टू लेट यू नो कि कैसे आप इजीली कुछ भी ऐसे ऐड कर सकते हो ऑप्शंस, एंड सिंपली सिलेक्ट करके उसकी एडिटिंग स्टार्ट कर सकते हो, कोई भी एलिमेंट हो या कोई भी सेक्शन। सो ऐसे ही आप न्यू पेजेस ऐड कर सकते हो, एंड न्यू पेजेस ऐड करने के बाद फिर उसमें जो भी चाहो यहाँ से ऐड कर सकते हो, जो भी कुछ कंटेंट ऐड करना है तो। एंड गाइज, अभी मैं आपको बताता हूँ अपसेलिंग एंड क्रॉस सेलिंग के बारे में। ये अपसेलिंग क्रॉस सेलिंग अगर आपको पता नहीं है, सो मैं बता दूंगा आपको क्या है। इट्स जस्ट अ स्ट्रैटेजी फॉर टू सेल मोर, एंड ये अमेजोन फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट में आपको मिलेगा ये बहुत। सपोज मैं ये वाला प्रोडक्ट सिलेक्ट करता हूँ, ये फर्स्ट वाला, एंड देन मैं जाऊंगा सेल्स टैब में। सी गाइज, यहाँ पे अपसेल एंड क्रॉस सेल। सो गाइज, अगर आपको कभी किसी चीज का मीनिंग नहीं समझ रहा है तो आप यहाँ पे होवर करके क्वेश्चन मार्क पे देख सकते हो। सो ऑप्शनल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है गाइज, कि जब भी कोई प्रोडक्ट एड टू कार्ट करेगा, सो उसको कार्ट के प्रोडक्ट जब कार्ट में जाएगा, सो कार्ट के नीचे और एक्स्ट्रा प्रोडक्ट शो होंगे। एंड देन ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स मतलब जब आप कोई प्रोडक्ट पेज पे जाते हो, फिर उस प्रोडक्ट पेज के नीचे उसके रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी आप शो कर सकते हो। सो मैं दिखाता हूँ एग्जाम्पल। एंड सी गाइज, यहाँ लिखा हुआ भी है रिकमेंडेड इन रिकमेंडेड व्हेन एडिंग टू कार्ट डिस्प्लेड इन बॉटम ऑफ प्रोडक्ट पेजेस। सो यहाँ पे मैं दो प्रोडक्ट ऐड कर देता हूँ, कम ये फर्स्ट एंड ये सेकेंड। एंड ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स में भी यहाँ पे मैं ये दो ऐड कर देता हूँ। एंड देन आप जितना चाहो उतना प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो, एंड देन सेव। अभी मैं जाऊँगा वेबसाइट पे। सी गाइज, यहाँ पे ऐसे दो नीचे ये हो गया प्रोडक्ट पेज, एंड नीचे ऐसे रिलेटेड प्रोडक्ट्स आ गए जो मैंने यहाँ पे ऐड किए थे। लेट मी शो यू अगेन। जो मैंने प्रोडक्ट्स यहाँ पे ऐड किए वो मुझे यहाँ पे शो होंगे ऐसे नीचे। एंड ऐड टू कार्ट अगर मैं करूंगा, सो सी गाइस यहाँ पे भी अवेलेबल ऑप्शंस, ये दो टी शर्ट शो हो जाएंगे। सो ऐसे आप अपसेल एंड क्रॉस सेलिंग कर सकते हो। सो प्रोडक्ट पेजेस पे ऐसे नीचे आप प्रोडक्ट्स रिलेटेड प्रोडक्ट शो कर सकते हो, एंड ऐड टू कार्ट जब भी कोई कस्टमर करेगा सो वहां पे भी ऐसे रिलेटेड प्रोडक्ट्स शो कर सकते हो टू सेल मोर रिलेटेड प्रोडक्ट्स, या फिर कुछ रिलेटेड प्रोडक्ट्स, या फिर कुछ ऐसे एड ऑन्स टाइप। जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज कोई कीबोर्ड परचेस कर रहा है फॉर एग्जाम्पल, सो या फिर एक मॉनिटर या फिर सीपीयू, सो उसके साथ मैं कार्ट में ऐसे नीचे शो कर सकता हूँ माउस एंड कीबोर्ड, क्योंकि वो रिलेटेड है विद मॉनिटर और सीपीयू, राइट? सो ऐसे आप अपसेलिंग एंड क्रॉस सेलिंग की स्ट्रैटेजीज यूज कर सकते हो विथ ओडो ई कॉमर्स फंक्शनैलिटीज। एंड अभी मैं आपको बताता हूँ गाइस पेमेंट्स के बारे में। सो आई विल डिस्कार्ड दिस कॉन्फिगरेशन पेमेंट प्रोवाइडर्स। सी गाइस, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है, पेपैल, रेजर पे, ये सब। स्पेशली ये जो रेजर पे है ये मोस्टली इंडियन जो ई कॉमर्स स्टोर्स है उनको हेल्पफुल होगा, स्ट्राइप भी। बट या जस्ट टू लेट यू नो, बहुत सारे ऑप्शंस है, वायर ट्रांसफर मतलब बैंक ट्रांसफर, पेपैल, स्ट्राइप, रेजर पे। सो आप सिंपली उसको इंस्टॉल कर सकते हो
एंड देन एक्टिवेट पे क्लिक करके आप उसको फिर आपका जो भी उसका जो की आईडी की सीक्रेट जो यहाँ पे जो डिटेल्स होते हैं वो आपको रेजर पे से मिल जाएंगे, वो उसको आपको यहाँ पे उसको ऐड करना है एंड देन सेव करना है, फिर वो ऑनलाइन पेमेंट इंटीग्रेशन आपके प्रोडक्ट्स के पेज पे ऐड हो जाएगा। एंड मेक श्योर टू पब्लिश एज वेल, ये फिलहाल अनपब्लिश्ड है। सो ऐसे आप यहाँ पे पेमेंट प्रोवाइडर्स में जाके जो भी पेमेंट ऑप्शंस आपको एनेबल करना है, अमेजोन पेमेंट सर्विस, वायर ट्रांसफर, पेपैल, स्ट्राइप, रेजर पे, जो भी चाहिए आपको आप ऐड कर सकते हो, एक्टिवेट कर सकते हो। एंड गाइज ये ऑनलाइन पेमेंट्स है सब आई नो, बट मैंने सर्च किया था कैश ऑन डिलीवरी के बारे में एंड ओडो के सब डॉक्यूमेंट्स में, एंड मैंने देखा कि कैश ऑन डिलीवरी आई डोंट थिंक इसमें अभी तक सपोर्टेड है फीचर। आई थिंक आई मीन इट है बट वो पेड है आपको, जहां तक मैंने रीड किया, एक जैसे वर्डप्रेस में प्लगइन्स होते हैं, शॉपिफाई में एप्स होते हैं एक्स्ट्रा फीचर्स के लिए, सो ओडो में भी वैसे फीचर्स होते हैं जिसमें आप पे करके एक्स्ट्रा फीचर्स ले सकते हो। सो वैसे आई थिंक कैश ऑन डिलीवरी का जो है ऑप्शन उसके लिए वो पेड होता है वो, एंड जहां तक मुझे पता है, मे बी आई एम रॉन्ग बट मैंने रीड किया था उसके अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, बट डू नॉट वरी, बट एज ऑफ नाउ यहाँ तो है नहीं, बट डोंट वरी, सून एज आई गेट एनी अपडेट अबाउट इट, कैश ऑन डिलीवरी फॉर विथ फ्री ऑप्शन, सो मैं वो भी चैनल पे शेयर करूंगा, एंड जैसे मैं अपडेट सब शेयर करता ही रहता हूँ मेरे चैनल पे, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एज वेल सो दैट आपको नोटिफिकेशन आ जाए। आई शेयर द अपडेट्स आइदर इन मैं अपडेट शेयर करता हूँ आइदर इन कम्युनिटी पोस्ट, शॉर्ट्स या फिर वीडियो क्रिएट करके, बट आई डू शेयर। सो ये हो गया पेमेंट मेथड्स का गाइज, एंड फिर ऑप्शन है एडिटर कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे डिलीवरी मेथड्स। गाइज आप डिलीवरी मेथड्स भी एडजस्ट कर सकते हो, जैसे कि कुछ चार्जेस एंड ऑल। सपोज ये स्टैंडर्ड डिलीवरी, अगर मुझे फिक्स प्राइस कुछ डिलीवरी पे रखना है 100, सो फिर सो इससे एक डिलीवरी पे 100 चार्ज ऐड हो जाएगा। एंड प्रोवाइडर्स भी आप ऐड कर सकते हो, इंस्टॉल प्रोवाइडर्स। सो आप किसके थ्रू ऑर्डर्स को डिलीवर करना चाहते हो, सो आप यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है पेमेंट प्रोवाइडर्स, जैसे ही डिलीवरी प्रोवाइडर्स के ऑप्शन है आप यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हो वो इजिली। एंड जो भी आपको, सपोज आपको फ्री डिलीवरी प्रोवाइड करनी है, एक अमाउंट, एक स्पेसिफिक अमाउंट के ऊपर का ऑर्डर होगा तो ही, सो ये ऑप्शन है उसके लिए। फ्री ऑर्डर इफ ऑर्डर इज अबाव, सपोज मैं 2000 करता हूँ तो 2000 के ऊपर जो ऑर्डर होगा, जो भी ऑर्डर, तो ही डिलीवरी फ्री होगी, वरना नहीं होगी। एंड और भी बहुत सारे ऑप्शन एंड भी और भी बहुत सारे ऑप्शन है गाइस, कि कौन से कंट्रीज में डिलीवर होगा, वेट, वॉल्यूम एंड फिक्स प्राइस बेस्ड ऑन रूल्स। रूल्स बेस्ड ऑन रूल्स मतलब आप रूल्स सेट करते हो गाइस, कि वो रूल्स मेट होंगे तो ही वो चार्जेस, डिलीवरी चार्जेस अप्लाई होंगे। फिक्स प्राइस रखोगे सो आइदर आप इसको फ्री रख सकते हो, सो एक्स्ट्रा डिलीवरी के लिए एक्स्ट्रा और कुछ चार्ज नहीं होगा, एंड अगर आप चाहो तो कुछ ऐसे चार्जेस रख सकते हो। एंड यहाँ से आप एज आई सेड प्रोवाइडर्स इंस्टॉल इंटीग्रेट कर सकते हो विथ फॉर डिलीवरी ऑफ योर ऑर्डर्स ऑन योर ई कॉमर्स वेबसाइट। एंड सी गाइज अब मैं यहाँ जाता हूँ ई कॉमर्स में, पहले मैं मेरे साइट पे जाता हूँ, साइट ई कॉमर्स रिपोर्टिंग, सॉरी आई मीन टू से रिपोर्टिंग। सी गाइज रिपोर्टिंग में यहाँ कितने सारे चीज है, ऑनलाइन सेल्स, विजिटर्स, पेज व्यूज। सपोज मैं विजिटर्स पे जाता हूँ, सो आई थिंक ये मैं ही हूँ क्योंकि मैं क्रिएट कर रहा हूँ ये, सो यहाँ पे मुझे सब दिखेगा। लास्ट 7 डेज में, टाइम जोन, फर्स्ट कनेक्शन, टाइम जोन, लैंग्वेज, बहुत सारे ऑप्शन है गाइज। सो आप यहाँ से विजिट्स देख सकते हो, विजिट्स, विजिटर्स के डिटेल्स, पेज व्यूज, ई कॉमर्स, ऑनलाइन सेल्स। तो यहाँ पे सी गाइज मुझे ऑनलाइन सेल्स के बारे में रिपोर्ट्स बता देगा, एंड इफ मैं ई कॉमर्स में जाऊँ, सो ऑर्डर्स का कि कंफर्म्ड ऑर्डर्स कितने हैं एंड डेट एंड अभी तक तो मुझे ऑर्डर्स नहीं आए, देन आई एम नॉट श्योर, बट यहां तक जहां तक मुझे देख के समझ रहा है ये डिस्काउंट मतलब कितनी बार डिस्काउंट यूज हुआ है, कौन से ऑर्डर पे डिस्काउंट यूज हुआ है, वो सब ये मुझे शो करेगा। एंड एनालिटिक्स में मैं जाऊंगा अगर, एंड एनालिटिक्स में मुझे ये सब दिखेगा कि करंट मेरे वेबसाइट पे करंटली कितने विजिटर्स है, यूनिक विजिटर्स, टोटल
टोटल पेज व्यूज, बाउंस रेट, विजिट ड्यूरेशन, ये सब भी मुझे दिखाएगा। टॉप सोर्सेस की कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, टॉप पेजेस की कौन से पेजेस पे सबसे ज्यादा विजिटर्स आ रहे हैं, डिवाइस ट्रैफिक कौन से डिवाइस से ज्यादा आ रहे हैं, फोन से, टैबलेट से, कंप्यूटर से, एंड लोकेशंस भी लाइक सिटीज, रीजन्स, कंट्रीज। सो इससे आपको टारगेटिंग में हेल्प होती है गाइस, कि कौन से लोकेशन के ऑडियंस आप ज्यादा आपके वेबसाइट पे आ रहे हैं। सो इट इट विल हेल्प यू टू टारगेट देम अगर आप एड्स रन करते हो तो। एंड सी एंड गाइस, अगर आप यहाँ पे साइट पे जाओगे सो यहाँ पे ऑप्टिमाइज एसईओ का भी ऑप्शन है। सो अपार्ट फ्रॉम रिपोर्टिंग यहाँ एसईओ के भी फीचर्स है, इनबिल्ट फीचर है। सो गाइस इसमें इस ट्यूटोरियल में मैंने मोस्टली ई कॉमर्स फंक्शनैलिटीज के बारे में कवर किया। अगर आपको स्टाइलिंग, एडिटिंग एंड ये कुछ जो इनबिल्ट फीचर्स है लाइक एसईओ एंड ये सब जो इनबिल्ट फीचर्स है एंड स्टाइलिंग एंड एडिटिंग के भी ऑप्शंस, मैंने स्टाइलिंग का स्पेसिफिकली इसमें ज़्यादा कवर नहीं किया, बट अगर आपको स्टाइलिंग, एडिटिंग एंड ये ऑप्टिमाइज एसईओ जैसे इनबिल्ट जो फीचर्स है ये सब के बारे में भी अगर आपको देखना है सो आप ये वीडियो देख सकते हो। मैंने ये सब के लिए एक डेडिकेटेड अलग से वीडियो अपलोड करके रखा है चैनल पे। सो गाइज नाउ द फाइनल थिंग, रजिस्टरिंग फॉर अ फ्री कस्टम डोमेन। होस्टिंग एंड SSL तो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है, मैंने आपको दिखाया था वीडियो में स्टार्ट में। सो अभी मैं बताता हूँ कि फ्री डोमेन कैसे रजिस्टर करना है। सो गो टू कॉन्फिगरेशन एंड सी गाइज यहाँ ऑप्शन है डोमेन नेम। ठीक है, इस डोमेन नेम ये ऐसे ही किसी को भी नहीं देते, यहाँ पे कुछ कंडीशंस है एंड बहुत जेन्युइन कंडीशंस है कि डोमेन आपको फ्री तभी मिलता है अगर आपके पास आपका होम पेज बहुत क्लियरली आपने डिफाइन किया है कि किस बारे में है, क्या है, जेन्युइन एकदम लगना चाहिए। एंड सेकंड है कॉन्टैक्ट पेज होना, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होने चाहिए लाइक आपका नेम, ईमेल एड्रेस एंड फोन नंबर, और फोन नंबर नहीं एंड फोन नंबर, मतलब तीनों मैंडेटरी है। एंड एटलीस्ट एक पेज होना चाहिए आपके प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज का, अगर आप प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में डील करते हो तो। सो बेसिकली वो लोग इसलिए ये सब चाह रहे हैं कि सी गाइस डोमेन फ्री में तो नहीं आता, वो आपके लिए वो लोग पे करेंगे। सो दे वांट कि जेन्युइन यूजर्स को ही फ्री डोमेन दिया जाए। सो मैं आपको दिखा दूं रजिस्टर कैसे करना है। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, माई वेबसाइट इज रेडी। एंड आपके पास दो ऑप्शन है, अगर आपके पास ऑलरेडी डोमेन है परचेस किया हुआ सो आप यूज माई ओन डोमेन पे क्लिक कर सकते हो, एंड अगर आपको फ्री डोमेन चाहिए ओडो से देन गेट अ न्यू डोमेन नेम। एंड मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा अभिषेक ई कॉमर्स। ठीक है, .com जो भी अवेलेबल होंगे, .com भी है गाइस, जो भी अवेलेबल होंगे आपको मिल जाएंगे। एंड सी गाइस ये आपको फ्री डोमेन 1 ईयर के लिए रहता है। सी गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है यू वोंट हैव टू पे एनीथिंग फॉर 1 ईयर, विल पे द चार्ज फॉर यू एंड यू वोंट हैव टू पे फॉर 1 ईयर, मतलब एक 1 ईयर फर्स्ट ईयर के लिए ये आपको कंप्लीटली फ्री कस्टम डोमेन दे रहे हैं गाइस, फ्री होस्टिंग, फ्री SSL एंड फ्री कस्टम डोमेन। सो मैं ये सिलेक्ट करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, एंड मैं यहाँ पे कुछ डिटेल्स मेंशन करूंगा, टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट इंडिविजुअल, मेरे डिटेल्स, मेरा नेम, ईमेल, मेरा नंबर, कंट्री, एड्रेस भी मुझे मेंशन करना होगा एंड देन रजिस्टर। ऑब्वियसली गाइस मुझे डोमेन मिलने नहीं वाला, वो मैंने कुछ कंप्लीट इसमें मेरे ईमेल, फोन नंबर, डिटेल्स ज्यादा मेंशन नहीं किए, बट ये आपको दिखाने के लिए था कि कैसे आपको रजिस्टर करना है एंड क्या कंडीशंस है जिसके बाद आपको फ्री डोमेन मिलेगा। एंड सी गाइस यहाँ पे लिखा है वन ऑफ आवर एजेंट विल इवैल्यूएट द रिक्वेस्ट, इट मे टेक अप टू 3 डेज। सो आपको 3 डेज तक अपडेट आ जाएगा आपके फ्री डोमेन का। एंड देन सो या दिस इज द प्रोसेस फॉर रजिस्टरिंग फॉर अ फ्री कस्टम डोमेन। एंड गाइस मैं एक और इसमें बेस्ट पार्ट बताता हूँ अबाउट रिस्पॉन्सिव एडिटिंग। मैं एडिटर में जाता हूँ। सो गाइज ये ऑटोमेटिकली आपको अच्छे से आपकी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव ऑप्टिमाइज्ड कर देगा। सो यहाँ पे मैं फोन पे क्लिक करता हूँ, सी गाइज अभी फोन वर्जन आ गया एंड ये अच्छे से ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिव एडिटिंग हो चुकी है इसकी। सो आपको अलग से फोन वर्जन के लिए अलग से एडिटिंग करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली सी गाइस सब कुछ ऑटोमेटिकली इसमें ऑप्टिमाइज हो चुका है रिस्पॉन्सिव वर्जन के लिए, जैसे मतलब फोन एंड टैबलेट्स एटसेट्रा। सो उसमें भी ये अच्छे से दिखेगा क्योंकि ओडो ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज कर देता है फॉर रिस्पॉन्सिवनेस। सो दैट्स द बेस्ट पार्ट गाइस। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज।
सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज. आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल एंड यूजफुल. इफ यू डिड, मेक श्योर टू गिव अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर वेबसाइट क्रिएशन एंड ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग रिलेटेड कॉन्टेंट. एंड अंटिल देन, कीप लर्निंग एंड गुड बाय.